अगर धन पास होता है टूट जाता है गरीबी में वो रिश्ता, मेहरबानों जो सत्य खास होता है, आज कोई रिश्तेदार काम नहीं आ रहा और वो छोरा सत्यवान लकड़ी काटता काटता के सोचे है। चढ़ी हवा में मानस के दुश्मन भी प्यारे हो जा, पीर पड़ी में मा जाए और पाठ के न्यारे हो जा, कोई भी न तोरे बठावे दुश्मन सारे हो जा, पीर पड़ी में राज करनिया हर लक्कड़ हारे साल गुजर गए, आदत पड़ गई लकड़ी काटने की, लक्कड़ हारा बन गया राजा का बेटा। और मेहरबानों दो साल पाछे फिर भी लड़का सोच रहा है, अरे लकड़ी तो काट रहा हूं लेकिन भविष्य के है कि बताया। लकड़िया के फिकर फिकर में, लकड़िया के फिकर फिकर में छोरा माड़ा हो क्या, और लकड़ी काटू अगर मैं डाटू यो कोड पवाड़ा हो क्या, चुंदराए ने आनंद लूटे वो दुश्मन मारा हो क्या, जिन हाथा तलवार सजे थी आज छबर कुल्हारा हो गया रे, कदे कदे ते राज भवन में मैं चलूं था सज खजी के, लकड़ी काटूं इब रहूं बड़ा मैं ऐश अमीरी तजी के, पिया बाण में करूं गुजारा
नाम ओम का बसी के मृतन के कपड़े हाथ लिए झाड़ा में उड़जे उड़जे के को लकड़ी काटते काटते 12 साल बीत के 12 साल और छोरा बालक था जवान हो लिया। लोगो बड़े बूढ़े कहते हैं कि 12 साल में कूड़ी के भी भाग जाग जाया करे है, लेकिन भाग तब जागते हैं जब इंसान की नेक नियति हो। कवि ने बताया 12 साल के बाद उस लड़के सत्यवान की जवान अवस्था होने के बाद किस्मत पलटी और वह क्यूकर पलटी के बताया। थैंक यू थैंक यू। कर्मा के अनुसार कवर की कर्मा के अनुसार कवर की कर्मों के अनुसार कवर की डबल कहानी होगी। रहते रहते सत्यवान की याद पुरानी होगी। कर्म व्रत का जो जाननिया अड़े कर्म व्रत का जो जाननिया उन्हें कथा सुनानी होगी। और उधर मगध देश के अशुपति की मगध देश के अशुपति की सावत्री शानी होगी। मगध देश के अशुपति की सावत्री शानी होगी। अरे चंद्रलाल का गुरु मंगल चंदी